भीषण गर्मी के बाद बारिश का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं कोरोना संकट भी अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन कोटा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको कोई आपदा नहीं हिला सकी। रावतभाटा रोड पर फुलनता नाम की महिला अपने पति रामकुमार और 2.5 साल की बेटी के साथ करीब 8 साल से एक टपरी में रह रही है जो एक चारपाई पर टिका रखी है। ऐसे में कुदरत किसी भी तरफ अपनी करवट ले, लेकिन ये तस्वीर आज भी वैसी ही है। आपको बता दें कि कुछ ही दूरी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का निवास और नगर निगम कार्यालय भी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक किसी की नजर इन पर नहीं पड़ी। ऐसे में इन हालातों के बारे में जानकारी ली हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। विश्व सहित भारत देश को कोरोना ने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है, लेकिन पूरे भारत पर कब्जा कर चुकी कोरोना महामारी एक मां के जज्बात और उसकी हिम्मत को नहीं हिला सकी है। कोटा में ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो एक मां को उसके जज्बात के लिए सलाम भी करती है। मेरे पीछे एक तस्वीर है जहां पर एक मां अपने 2.5 साल की बच्ची को लेकर बैठी हुई है। ये माँ तकरीबन 8 साल से इसी जगह पर बैठी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे परिवार ने हिम्मत नहीं हारी है। सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि ये माँ इसी बारिश में अपने बच्चे को संभाल रही है और तकरीबन 8 साल से इसी तरह से इसी जगह पर बैठी हुई है। ये जगह रावतभाटा रोड कहलाती है और इसके ठीक पीछे चंबल गार्डन है जहाँ पर शहरवासी आते हैं और अपना चंबल गार्डन में आकर पिकनिक मनाते हैं। लेकिन सबकी इस तस्वीर पर नजर पड़ने के बाद भी अभी तक किसी ने इस परिवार के बारे में नहीं सोचा है। ये एक तस्वीर ऐसी है जो पूरे समाज को हिला कर रख देगी। ये माँ अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ एक ऐसी जगह पर बैठी है जहाँ पर लगातार धूप इनके पूरे शरीर पर आ रही है और पूरी तरह से इनको एक बारिश का भी सामना करना पड़ रहा है। हर साल यही हालत इनकी बनी हुई है। ये पूरा एक फंटा इन्होंने तैयार किया है और इसी फंटे पर ये तकरीबन 8 साल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार के लिए कोई खाने पीने का कोई साधन नहीं है। इन माँ से बात करते हैं कि किस तरह की इनको तकलीफ हुई है और किस तरह से ये पूरी तरह से पूरे 8 साल से यहाँ पर हैं, अपने परिवार के साथ हैं, जिंदगी गुजार रही है, हिम्मत नहीं हारी है और लगातार अपने परिवार के साथ यहाँ पर रह रही है। कब से रह रही हैं आप और किस तरह की समस्या आपको यहाँ पर आ रही है? 2013 के यहाँ रह रहे हैं और ये परेशानी यहाँ बहुत दुख उठा रहे हैं। परेशानी है और क्या है, दुखी है, भूखा, तसाया, तांवड़ा, चालों बच्चों को लेके, जवान बच्चा परेशानी की मारी बगी गया। क्या करते हैं आपके पति? और कोई हादसा हुआ था? किस तरह का हादसा था? वो मंडी में काम करते थे, सेव की गाड़ी खाली करते थे, ट्रक में कर गए थे, तो उन दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, तो उनको राडा डली हुई है। अच्छा, आपको पता है कोरोना महामारी चल रही है अभी, तो कैसे रह रहे हो आप यहाँ पे? रह रहे हैं भगवान भरोसे, जी रहे हैं भगवान भरोसे, पड़े हैं। बारिश वगैरह भी आती है? बारिश में सब में यहाँ रहते हैं हम, तो बारिश में पूरे 8 साल 2013 के यहाँ पड़े हैं। एक कट्टा भी दिया, 7-12 हैं इसके पापा, एक कट्टा भी भगा देते हैं वहाँ। क्या कहते हैं? नहीं है तुम्हारे घर में हो जमा रही, पुलिस वाले कहते तुम्हारे घर में हो जहाँ रख जाओ, ये बोलते हैं। नहीं, कल आना, शाम को आना, 9 बजे आना, 10 बजे आना। तो एक बहुत एक भयावह तस्वीर जरूर बनी है ये कोटा की, क्योंकि ये वो रास्ता है जो सीधा रावतभाटा की ओर जाता है और इससे कुछ ही दूरी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी निवास है और वो भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अभी तक उनके पास ये परेशानी नहीं पहुंच पाई है। हालांकि कार्यकर्ता यहां पर लगातार आते हैं, यहीं से गुजरते हैं, नगर निगम का कार्यालय भी यहां से कुछ ही दूरी पर है, अधिकारी यहां से गुजरते हैं, बावजूद इसके अभी तक इस परिवार की कोई मदद नहीं हो पाई है। ऐसे में एवन टीवी भी इस मां के जज्बे को और हिम्मत को सलाम करता है कि वो इस भीषण गर्मी और अब बारिश का दौर शुरू होने वाला है, मानसून आने वाला है, जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ यहाँ पर रह रही हैं और अपने परिवार का जीवन बसर कर रहे हैं। सहयोगी राजन भारद्वाज, जो कैमरा पर्सन दीपक के साथ, योगेंद्र महावर, एवन टीवी कोटा।